एक तरफ जहां लोकसभा इलेक्शन के लिए सियासी पार्टियां दूसरे चरण के मतदान के लिए जोर शोर से लगी हुई हैं, तो वहीं इन सब के बीच ममता सरकार को बड़ा झटका लगा है। बंगाल स्कूल भर्ती घोटाले में हाईकोर्ट की तरफ से अहम फैसला आया है। ममता सरकार को आज बड़ा झटका देते हुए कलकत्ता हाईकोर्ट ने 2016 SSC भर्ती के पूरे पैनल को अमान्य घोषित कर दिया है। शिक्षक भर्ती घोटाले पर फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने 9वीं से 12वीं और समूह सी और डी तक की सभी नियुक्तियां जिनमें अनियमितताएं पाई गईं उसे रद्द कर दिया है। कोर्ट ने हजारों नौकरियों को भी रद्द कर दिया है। हजारों नौकरियां रद्द, लौटानी होगी सैलरी। हाईकोर्ट ने स्कूल सेवा आयोग की ओर से 9वीं 10वीं व 11वीं 12वीं में ग्रुप सी और ग्रुप डी में सभी नियुक्तियों को अवैध ठहराते हुए 23,753 लोगों की नौकरी रद्द करने का निर्देश दिया। इन लोगों को 4 हफ्ते के भीतर 12% की दर से ब्याज समेत पूरा वेतन लौटाना होगा। कोर्ट ने जिलाधिकारियों को 6 हफ्ते के भीतर इन लोगों से रुपए वसूली करने का निर्देश दिया है। स्कूल सेवा आयोग को नई नियुक्ति करने का निर्देश। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने स्कूल सेवा आयोग को 0 पदों पर नई नियुक्ति शुरू करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा कि CBI की जांच जारी रहेगी और वो जिसे चाहे हिरासत में ले सकती है। हाईकोर्ट ने 23 लाख परीक्षार्थियों की OMR शीट के पुनर्मूल्यांकन का भी निर्देश दिया। एक की नौकरी रहेगी सुरक्षित। कोर्ट ने प्रशासन को अगले 15 दिनों में नई नियुक्तियों पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। इस मामले में एक अपवाद सोमादास के मामले में अदालत ने छूट दी है। कैंसर से पीड़ित होने के नाते उनकी नौकरी सुरक्षित रहेगी। TMC के पूर्व मंत्री 2 विधायक हैं गिरफ्तार। गौरतलब है कि इस भर्ती घोटाले में तत्कालीन शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी, 2 विधायकों मानिक भट्टाचार्य व जीवन कृष्ण साहा और पार्टी के कई नेताओं कुंतल घोष, शांतनु बंदोपाध्याय, सुजय कृष्ण भद्र अन्य को गिरफ्तार किया गया है। विपक्षी दलों ने सीधे तौर पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर उंगली उठाई है। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री के भतीजे और तृणमूल के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी भी विपक्ष के निशाने पर हैं। इस घोटाले में करोड़ों रुपए, गहने और संपत्ति की बरामदगी हुई है। तुरंत इस्तीफा दें ममता, जस्टिस गंगोपाध्याय। हाईकोर्ट के फैसले पर भाजपा नेता व पूर्व न्यायाधीश जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय ने कहा है कि राज्य के मुख्यमंत्री के लिए इससे बड़ी शर्मिंदगी की बात नहीं हो सकती है। वो पूरी तरह भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और उन्हें तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्होंने इतने दिनों तक परीक्षार्थियों को भुलावे में रखा था। वहीं भाजपा नेता व बंगाल के सह प्रभारी अमित मालवीय ने कहा है कि निसंदेह यह सरकार द्वारा प्रायोजित सबसे बड़ा भर्ती घोटाला है। लाखों युवाओं की जिंदगी बर्बाद हो गई है। क्या ममता की पूरी कैबिनेट अब CBI की हिरासत में होगी? स्कूल सेवा आयोग SSC में अवैध भर्ती करने के लिए कई अतिरिक्त पद सृजित किया गया था। इस अतिरिक्त पद सृजित करने की मंजूरी राज्य सरकार ने ही दी थी। कलकत्ता हाईकोर्ट ने सोमवार को कहा कि CBI राज्य सरकार से जुड़े उन लोगों की भी जांच करेगी जिन्होंने अतिरिक्त पदों के सृजन को मंजूरी दी और आवश्यक निर्णय लिए। कोर्ट ने कहा कि अगर जरूरी हुआ तो केंद्रीय एजेंसी उन लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर सकती है। आपको बताते चले कि किसी भी विभाग में नए या अतिरिक्त पद सृजित करने के लिए राज्य कैबिनेट से मंजूर करना होता है। बंगाल में अवैध नियुक्तियों के मामले पर कोर्ट ने क्या कहा? SSC मामले में कोर्ट ने कहा कि इस भ्रष्टाचार की प्रकृति और सीमा जानने के लिए इसमें कौन शामिल है ये समझने के लिए CBI जांच जरूरी है। अतिरिक्त पदों के सृजन को लेकर भी आगे की जांच CBI को करनी होगी। इस संदर्भ में हाईकोर्ट ने टिप्पणी की, राज्य सरकार की कैबिनेट ने भी SSC में अवैध नौकरियों को बचाने के हित में कई फैसले लिए हैं जो आश्चर्यजनक है। सरकार से जुड़े लोग ये जानते हुए भी नौकरियां बचाना चाहते थे कि ये नियुक्तियां पैनल के बाहर और पैनल का कार्यकाल खत्म होने के बाद की गई हैं। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली कैबिनेट से मंजूरी। कथित तौर पर पैसे के बदले अवैध तरीके से नौकरी पाने वालों को भर्ती करने के लिए SSC में पर्याप्त रिक्तियां नहीं थी, इसलिए कई अतिरिक्त रिक्तियां सृजित की गईं। इन्हें अधिसंख्यात्मक पद कहा जाता है। आरोप है कि उन पदों पर बड़ी संख्या में अयोग्य अभ्यर्थियों की नियुक्ति की गई है। इस प्रकार अभिलेखों में दर्शाया गया है कि उनकी नियुक्ति वास्तव में वैध है। अदालत ने कहा कि राज्य सरकार से जुड़े व्यक्तियों द्वारा इन अतिरिक्त पदों को सृजित करके अवैध नियुक्तियों को मान्यता देने के लिए कई निर्णय भी लिए गए।
उन फैसलों को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली कैबिनेट से मंजूरी भी दी गई थी। अतिरिक्त पद सृजित करने का प्रस्ताव। एसएससी मामले की जांच के दौरान सीबीआई को स्कूल शिक्षा विभाग से एक पत्र मिला जिसे उन्होंने कोर्ट में जमा कर दिया। पत्र के विषय में कहा गया है कि प्रतीक्षा सूची में शामिल नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए विभिन्न सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में सहायक शिक्षकों यानी व्यवसायिक शारीरिक शिक्षा सहित और गैर शिक्षण कर्मचारियों के कुछ सुपर न्यूमेरिकल पद यानी अतिरिक्त पद सृजित करने का प्रस्ताव राज्य कैबिनेट को सौंपे जाने का आरोप है। संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ होगी। प्रस्ताव में 9वीं 10वीं के लिए 1932 और 11वीं और 12वीं के लिए 247 अतिरिक्त पद सृजित करने की बात कही गई है। इसके अलावा ग्रुप सी के 1102, ग्रुप डी के 1980 अतिरिक्त पद और फिजिकल एजुकेशन वोकेशनल एजुकेशन में कुल 1600 अतिरिक्त पद सृजित होने की बात कही जा रही है। कोर्ट के आदेश के मुताबिक सीबीआई राज्य सरकार के उन लोगों के खिलाफ जांच करेगी जो अतिरिक्त पदों के सृजन और अवैध नियोजन में शामिल थे। जांच के लिए वो संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ करेंगे। बंगाल नियुक्ति मामला क्या है? सीबीआई की जांच में सामने आए इस दस्तावेज में 5 मई 2022 की तारीख दी गई है। 2021 में ममता बनर्जी की सरकार के दूसरी बार सत्ता में आने के बाद शिक्षा मंत्री का पद पार्थ चटर्जी से लेकर ब्रात्य बसु को दिया गया था, यानी जिस समय कैबिनेट पर इन अतिरिक्त पदों को मंजूरी देने का आरोप है उस समय ब्रात्य बोस शिक्षा मंत्री थे, वहीं पार्थ उद्योग मंत्री थे। पार्थ को जुलाई 2022 में एसएससी मामले में गिरफ्तार किया गया था। ब्रात्य के करीबी सूत्रों के मुताबिक उन्होंने अभी तक इस फैसले की कॉपी नहीं देखी है। इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। कोर्ट ने कहा कि नौकरी पाने वालों को 12% सालाना की दर से ब्याज भी देना होगा। एसएससी मामले में हाई कोर्ट का ये फैसला लोकसभा चुनाव से पहले राज्य सरकार के लिए बड़ा झटका है। इस बीच स्कूल सर्विस कमीशन ने जानकारी दी है कि वे इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने रायगंज की चुनावी सभा से हाईकोर्ट के फैसले को अवैध बताते हुए नौकरी गंवाने वालों के साथ होने की बात कही है। साथ ही ममता बनर्जी ने जहां तक संभव होगा कानूनी लड़ाई लड़ने की भी बात कही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।